पिछड़े वर्ग के पूर्व छिंदवाड़ा की जिला कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। जिला कार्य समिति की बैठक में स्वागत भाषण देते हुए जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कहा, हमारे संगठन की परंपरा है कि राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश कार्य समिति और फिर जिला कार्य समिति की बैठक और इसके बाद मंडलों की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में जिला कार्य समिति की बैठक आज प्रशिक्षण वर्ग के साथ ही आयोजित की गयी है। जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि समय काल के साथ ही अनेकों परिवर्तन होते रहते हैं, जिसमें वैश्विक, राजनीतिक, सामाजिक आपदा, घटना, दुर्घटना होती है। उस पर हमारा राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व चिंतन करता है और उस पर चर्चा होती है और प्रस्ताव बनाया जाता है, जिसमें समर्थन और सुधार किए जाते हैं और उस प्रस्ताव को कार्य समिति की बैठक में पारित किया जाता है। और श्री साहू ने छिंदवाड़ा जिला द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख बैठक में किया और कार्य समिति की बैठक में महामंत्री टीका रामचंद्रवंशी ने मंच संचालन किया। महामंत्री परमजीत सिंह विच ने जिला कार्य समिति का आभार व्यक्त किया। जिला उपाध्यक्ष कमलेश उइके ने जनजातीय गौरव दिवस का प्रस्ताव पढ़कर सुनाया और जिला मंत्री मनोज नेमा ने प्रदेश कार्य समिति द्वारा पारित राजनीतिक प्रस्ताव पढ़कर सुनाया। जिला उपाध्यक्ष वर्षिका संजय अग्रवाल ने टीकाकरण अभियान का प्रस्ताव पढ़कर सुनाया। आज हमारी जिले की कार्य समिति एवं इसके पश्चात होने वाले जिले के प्रशिक्षण वर्ग के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के प्रेरणा के स्रोत और जिले में जो प्रभारी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे सम्मानी संतोष पारेख जी, यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व विधायक, जिले के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय श्री रमेश दुबे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिले के अध्यक्ष सम्माननीय रमेश कोटली जी, पूर्व विधायक सम्माननीय नथन शाह जी, जिले के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता भाजपा नेता सम्मानित भोला सिंह ठाकुर जी, हमारे मंडी के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई सम्मानित शेषराव यादव जी, पूर्व विधायक सम्मानित अजय चौरे जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी नगर की प्रथम नागरिक रही प्रथम महापौर श्रीमती कांता योगेश सदरंग जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा एवं जिले की महामंत्री श्रीमती कांता ठाकुर जी, सम्माननीय हमारे महामंत्री परमजीत विज जी, सम्माननीय उत्तम ठाकुर जी, आशीष ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित जिले के उपाध्यक्ष योगेश साहू जी, योगेश सदरंग जी उपस्थित, हमारे मोर्चे के अध्यक्ष, युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई अभिन राणा जी, महिला मोर्चे के अध्यक्ष उषा भगोरे जी, हमारे ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष सम्माननीय पिंटू मासब जी, किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष सम्माननीय संजय पटेल जी और उपस्थित हमारे मंडल अध्यक्षगण, उपस्थित जिले की कार्य समिति के सदस्यगण, मंडल के महामंत्री, हमारी जिले की पदाधिकारी दीदी वगैरह, उपस्थित समस्त भारतीय जनता पार्टी के साथीगण, परंपरा अनुसार राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है और उसके 15 दिनों के अंदर हमारी जिले की कार्य समिति होती है और उसके 15 दिनों के अंदर मंडलों की कार्य समिति होती है। इसी तारतम्य में आज हमारी जिले की कार्य वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।